लास्ट लेक्चर में हमने लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन पढ़ लिया था, ठीक है। हमारा कॉनकेव लेंस बच रहा है, तो कॉनकेव लेंस के लिए अगर हम देखें, कॉनकेव लेंस के लिए इमेज का फॉर्मेशन देख के आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन अगर हम देखें बच्चों, तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है। आपको यहाँ पर रे अगर लेनी है तो रे कैसे लेंगे आप, इसका फोकस कहाँ होता है, इसका वर्चुअल फोकस होता है, ध्यान दें, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होता है, ठीक है। जिधर से इंसिडेंट रे आ रही होती उसी साइड में फोकस होता है इसका, इसका जो फोकस है सेकेंडरी फोकस वो यहाँ पर है। तो अगर जो सबसे पहला क्या होगा कि अगर हम पैरेलल रे इंसिडेंट कराएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे को इंसिडेंट कराएंगे, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज करेगा ना रेस को, जब डाइवर्ज करेगा रेस को, तो इस डाइवर्ज किया है रे को, इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा डॉट 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 करके, तो ये रे जो होगी कहाँ से आती हुई अपीयर होगी, फोकस से आती हुई अपीयर होगी, ठीक है, फोकस से आती हुई अपीयर होगी, ये रे फोकस से आती हुई अपीयर होगी, क्लियर। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी रे इंसिडेंट कराएंगे वो फोकस से, फोकस पे जाके मीट करेगी, ठीक है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। और दूसरा रे डायग्राम क्या होगा, दूसरा रे डायग्राम ये होगा कि इसका ये जो इधर इधर जो फोकस है, ये वाला जो फोकस है इसका प्राइमरी फोकस इधर होता है, ध्यान देना, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का उल्टा होता है। तो अब अगर यहाँ पर हमारे पास बच्चों, अगर आप ये इसका फोकस है, अगर रे जो है रे अगर आप ऐसे इंसिडेंट करा रहे हो और ये रे फोकस, ये रे फोकस पे अगर कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही है, अगर ये लेंस नहीं है, लेंस अगर ना हो और लेंस के ना होने पर ये रे अगर पॉइंट F1 इसके फोकस पे अगर जाकर कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है, कन्वर्ज ये यहाँ पे इसके फोकस प्राइमरी फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई अगर अपीयर हो रही है, तो ये लेंस क्या करेगा, ये डाइवर्ज करके इस रे को पैरेलल कर देगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी रे ये है आपकी। थर्ड रे आपकी क्या होगी, थर्ड रे ये होगी आपकी कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई रे इंसिडेंट कराओगे, तो वो रे जो होगी कैसे पास हो जाएगी, सीधी पास हो जाएगी। ये थर्ड है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है। इनमें से कोई सी भी दो रे आप प्लॉट कर सकते हैं, और ये वाली फोर्थ रे आपने ऑलवेज प्लॉट करनी होती है, ठीक है। अब इसके लिए इमेज का फॉर्मेशन अगर हम देखें, तो इमेज का फॉर्मेशन इसके लिए बहुत ईजी है। क्या है कि फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो ऑलवेज, पहली बात, ये इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंडरी फोकस के बीच में बनती है, यहाँ पे बनती है इमेज, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट है, इधर ही इमेज बनेगी, मीन्स इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। लेंस के लिए जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही अगर इमेज बन रही हो तो इमेज वर्चुअल होती है, और अदर साइड में अगर इमेज बन रही हो तो इमेज रियल होती है। मिरर के लिए जिधर ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, मिरर के सामने ही इमेज बनी तो रियल होती है, और मिरर के पीछे इमेज बनी तो वर्चुअल होती है, ठीक है। यहाँ लेंस में उल्टा होता है, इमेज की पोजीशन रियल और वर्चुअल इमेज की पोजीशन मिरर के लिए और यहाँ के लिए उल्टी होती है, ठीक है। उल्टी मतलब कि ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बनेगी यहाँ लेंस में तो वर्चुअल होगी, और अदर साइड में बनेगी तो रियल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, मान लो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस, कैसी होगी, कॉनकेव लेंस के लिए वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश्ड इन साइज,
ठीक है। तो अगर इसके लिए इमेज का फॉर्मेशन हम देख लें, तो ये इमेज का फॉर्मेशन है, ये वाला केस है ये, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होने का क्या मतलब, इमेज कहाँ से आ रही हैं, रेस कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से। और इन्फिनिटी से जब रेस आप लेके आओगे तो कैसे दिखाओगे इन्फिनिटी से आने वाली रेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रेज आ रही हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो ये रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, कहीं मीट नहीं करेंगी, ठीक है। जब इनको हम पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो ये रेज जो होंगी इस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही होंगी, ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इमेज होगी, ये इमेज होगी, फोकस पे इमेज बनेगी, यहाँ पे इमेज बन रही होगी, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कहाँ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, आपको इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो इमेज जो है यहाँ बनती है, ऑलवेज ध्यान देना, कॉनकेव लेंस ऑलवेज कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑलवेज इमेज बनती है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, ठीक है। ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका सेकेंडरी फोकस है, इसका सेकेंडरी फोकस है, प्राइमरी फोकस इसका इधर होगा, ठीक है, प्राइमरी इधर होगा, कॉन्वेक्स लेंस में प्राइमरी फोकस इधर होता है, फर्स्ट फोकस इधर होता है और सेकेंड फोकस इधर होता है, कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में सेकेंड फोकस इधर और फर्स्ट फोकस इधर, उल्टा है, ठीक। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फाइनाइट डिस्टेंस में, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, आपने इस ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। तो एक रे ऐसे इंसिडेंट कराओ, तो जब ये इंसिडेंट कराओगे रे, तो ये क्या करेगा, रे को डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, ये रे को डाइवर्ज कर देगा, इसने डाइवर्ज कर दिया, ठीक, डॉट 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 करके पीछे को बढ़ाओगे तो रे यहाँ से आती हुई अपीयर होगी, क्लियर। एक रे आप इसका फोकस ले लो कहीं, मान लो एक रे अगर आप इसके फोकस पे मीट होती हुई गिराओगे, एक रे आपने अगर ये इंसिडेंट कराई, ये रे कहाँ जा रही थी प्राइमरी फोकस पे, ठीक है, ये प्राइमरी फोकस पे जा रही थी, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों रेस को जब आप डॉट 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 करके पीछे को बढ़ाओगे, डॉट 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 करके पीछे को बढ़ाओगे, तो ये रेस इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, ठीक है। एक आप सीधा ऐसे ये पास करा दो, और चाहो तो एक रे और गिरा सकते हो, इस पॉइंट से होती हुई आप रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो सीधे, ठीक है। अगर नहीं पास हो रही थी, दो रे छोड़ दो, ठीक, ये रे इस पॉइंट से आती हुई दिख रही होंगी ये सारी रेस, तो आपकी ये इमेज बन गई। इसको डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे तो ये दोनों रेज यहाँ जाके मीट कर जाएंगी, तो आपकी ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। कैसी इमेज बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ बनी बच्चों, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कैसी बनी है, ये बनी है वर्चुअल कॉमा इरेक्ट एंड कैसी स्मॉल इन साइज। बस ये दो फॉर्मेशन है यहाँ, ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इसकी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी, हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेज जो है स्मॉल होती है कॉनकेव लेंस के केस में, और कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनाता है। एक ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, वो पोजीशन कौन सी है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ होगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, ठीक है। वहाँ वर्चुअल इमेज में और यहाँ वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है, कि यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज है वो छोटी है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो वर्चुअल इमेज है वो बड़ी है, ठीक है,
समझ गए मेरी बात को? तो आपको इसी वर्चुअल इमेज की इन्हीं दो करेक्टरिस्टिक से आप लेंस को पहचान सकते हैं। उसने कहा एक लेंस है, वर्चुअल इमेज बनाई उसने, लेकिन इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का छोटा है, तो इसका मतलब वो कॉन्केव लेंस है। और उसने कहा इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, डबल है, ट्रिपल है, इसका मतलब वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है। और छोटी है तो इसका मतलब कौन सा है? कॉन्केव है। ठीक है बच्चों, छोटी अगर इमेज बन रही है तो वो कॉन्केव लेंस है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से साइन कन्वेंशन देख के जल्दी से न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि हमने मिरर में क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है कि साइन कन्वेंशन वही मैंने मिरर में लिखाया है, वही सारी चार पॉइंट आपने लिख लेने हैं। पहला क्या कि वहां पर मिरर के केस में ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, यहां पोल की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर मान लो मैं कॉन्वेक्स लेंस शो कर दूं, यहां ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंसिडेंट रे अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे इधर से आएंगी बच्चों, और अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे इधर से आएगी। याद रखना ऑब्जेक्ट से आती है इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है लेकिन इन जनरल आपका ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा हुआ होता है, लेंस में कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मिरर नहीं है ये कि मिरर के सामने ही खड़े होना है। क्लियर? तो लेंस में दोनों तरफ हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे इधर से आएगी, इधर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे इधर से आएगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन इधर ले लूं तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे ऐसे चली आ रही है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। क्लियर? तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड, ये भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, all the distances are measured in the direction of incident ray are taken as positive. तो incident ray ऐसे चल रही है, तो optical center से नापेंगे। अगर आपने इस point के distance को measure करना है तो optical center से उस point की तरफ को चलोगे, याद रहे उस point से optical center की तरफ नहीं आओगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा important sign convention है। ठीक है, सबसे ज़्यादा important numerical आपका तभी हो रहा होगा जब आप sign convention को अच्छे से कर रहे होगे। अगर आपने साइन कन्वेंशन को नहीं पकड़ा मिरर के केस में या इसके केस में तो आपके न्यूमेरिकल सही होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या कहा मैंने, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर मैं चला तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, व्हाइल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आ रही है, एंड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेज आर टेकन एज नेगेटिव। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि डिस्टेंसेज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, इसके ऊपर को ऊपर की डिस्टेंसेज, एंड बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रहे लेफ्ट टू राइट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, यहां आप लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव नहीं कहेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, क्योंकि अगर इंसिडेंट रे अगर इधर से आ गई, ऑब्जेक्ट अगर इधर हुआ तो इंसिडेंट रे इधर से आएगी, तो अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस अब पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट कहां होगा आपका? ये आपकी ऑब्जेक्ट पोजिशन है, ये आपकी ऑब्जेक्ट पोजिशन है, जिधर इंसिडेंट रे वाली पोजिशन आपकी ऑब्जेक्ट पोजिशन है, और यहां पर अगर आपकी इमेज बनी, यहां पर इमेज बनी तो यहां, यहां कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, ये पोजीशन आपकी वर्चुअल इमेज की पोजीशन है लेंस के केस में, ध्यान देंगे। ठीक है, मिरर के केस में ये पोजीशन रियल इमेज की पोजीशन होती है। ठीक है, और ये वाली जो साइड है अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां, यहां जो है आपकी कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी,
यहाँ पर आपकी रियल इमेज बनेगी, यहाँ स्क्रीन रखी जाएगी, जो इमेज यहाँ बन रही होगी उसको स्क्रीन पर ऑप्टेन कर सकते हैं, जो इमेज यहाँ बन रही होगी उसको स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है आपकी रियल इमेज बनेगी, ये जगह आपकी रियल इमेज के लिए है ये वाली जगह, और ये वाली जगह जो है आपकी वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट की जाती है मेरे बच्चों, यू से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आपके लिए, जब भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेनी है तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे होंगे, पहली बात, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। पॉइंट्स आप लिख लेंगे वैसे ही जैसे मैंने मिरर में कराए थे, वहाँ लिखाए थे मैंने पॉइंट, यहाँ मैं नहीं लिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही पॉइंट यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर जो रियल इमेज अगर है, इमेज कौन सी है, रियल इमेज, तो रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस वी, तो चूंकि रियल इमेज यहाँ बन रही है यहाँ, तो वी अगर चलेंगे तो वी इस पॉइंट के लिए वी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पॉजिटिव होगी, मिरर में रियल इमेज के लिए वी नेगेटिव होता है, ठीक है। मिरर के केस में रियल इमेज के लिए वी नेगेटिव होता है, क्योंकि रियल इमेज इस साइड में बन रही होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करते हैं रियल इमेज के डिस्टेंस को, ठीक। दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करते चलें, कंफ्यूज ना हो। मैग्नीफिकेशन देखें तो मैग्नीफिकेशन का साइन मिरर के केस में और लेंस के केस में, दोनों के केस में सेम ही होता है रियल इमेज के लिए, क्योंकि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हमने जो मिरर में मैग्नीफिकेशन पढ़ा वही यहाँ पर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, तो ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होगी। तो हाइट ऑफ इमेज देखेंगे तो नेगेटिव आएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे तो पॉजिटिव आएगी। तो हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव का रेशियो लूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैग्नीफिकेशन जो है रियल इमेज के लिए, मैग्नीफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव होता है, याद रहे। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव एंड वी पॉजिटिव, इन दो बातों से आप इमेज के नेचर को पहचान रहे होगे, ठीक है। अगर हमारे पास वर्चुअल इमेज है बच्चों, वर्चुअल इमेज है, आपको साइन कन्वेंशन को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान देना है साइन कन्वेंशन को। अगर आप साइन कन्वेंशन को अच्छे से ध्यान दे रहे होगे तो ही न्यूमेरिकल सही होंगे, वरना न्यूमेरिकल सही होने वाले नहीं हैं, ठीक है। आपके 10th क्लास में बहुत छोटा सा एलिमेंट्री न्यूमेरिकल आता है, बहुत लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं आता, सीधे फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आता है। वो न्यूमेरिकल सही तभी होगा जब आप वी यू एफ इन सब के साइन को प्रॉपरली वहाँ पर रख रहे होगे, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज के लिए अगर देखें तो मैंने क्या कहा, ये वर्चुअल इमेज की जगह है, ठीक। वर्चुअल इमेज उधर बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्टिकल सेंटर से वर्चुअल इमेज तक अगर चलोगे तो वी जो होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और चूंकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है ऑलवेज, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, तो इसका मतलब दोनों क्या, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वर्चुअल इमेज जो होगी उसके लिए मैग्नीफिकेशन क्या, पॉजिटिव। तो मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का साइन और लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन का साइन दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, बट वी का साइन डिफरेंट है। वी का साइन मिरर और लेंस के लिए डिफरेंट है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो दोनों केस में, क्लियर। अगर कॉन्वेक्स लेंस है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया था कि फोकस कौन होता है लेंस का, जो सेकेंडरी फोकस है वो होता है फोकस। चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंडरी फोकस रियल होता है, जो पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो यहाँ मीट करेंगी कॉन्वेक्स लेंस में जाकर, तो इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक जाओगे तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को आप ऑलवेज क्या ले रहे होंगे, पॉजिटिव ले रहे होंगे, ठीक है। और अगर कनकेव लेंस है, अगर कनकेव लेंस है मेरे प्यारे बच्चों, तो कनकेव लेंस का फोकस वर्चुअल होता है, पैरेलल रेज आएंगी तो पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देगा, और जब डाइवर्ज कर देगा तो उनको डॉट 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 करके पीछे को बढ़ाएंगे तो वो रेज यहाँ किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। सेकेंडरी फोकस उधर ही होता है जिधर इंसिडेंट रे हैं,
इसलिए ये वर्चुअल फोकस है। और जब वर्चुअल फोकस है तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस मेज़र करोगे कॉनकेव लेंस में, ये कॉन्वेक्स है कॉनकेव लेंस में मेज़र करोगे। अगर यहाँ कॉनकेव लेंस हो तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक जाओगे तो इमेज फोकल लेंथ जो होगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है, इतने साइन को आपने पकड़ के रखना है। जब आप इस साइन को अच्छे से पकड़ के रखोगे, ठीक है, इस साइन कन्वेंशन को अच्छे से फॉलो कर रहे होगे, अच्छे से पकड़ के रख रहे होगे, तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता। क्योंकि आपके इसे यहाँ टेंथ क्लास में बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों, कोई इंजीनियरिंग का एंट्रेंस नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत एलिमेंट्री छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। इवन आपके जो NTSC ओलंपियाड में भी बहुत लंबे चौड़े न्यूमेरिकल नहीं आते, अगर आप साइन कन्वेंशन को सही सही फॉलो कर रहे हो तो लाइट के आप एक एक न्यूमेरिकल, नॉट ओनली बोर्ड एग्ज़ाम, NTSC ओलंपियाड या कोई भी आप टेंथ लेवल का आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको बहुत आसानी से ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन को मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, साइन कन्वेंशन को आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए चलें। गिनती के जितनी आपके हाथ में उंगलियां नहीं हैं, जितनी आपके हाथ में उंगलियां हैं उससे कम फार्मूले हैं, यहाँ गिनती के फार्मूले हैं पूरी लाइट में, उन्हीं फार्मूले पे सारे न्यूमेरिकल होने हैं। ठीक है, इतने फार्मूले नहीं हैं, इतने फार्मूले नहीं हैं टोटल मिला के, ठीक है, इन्हीं फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स होने हैं, बस इतने ज़रा से फार्मूले हैं उन्हीं पर न्यूमेरिकल होने हैं। वो तभी होंगे जब आप साइन कन्वेंशन को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आपसे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा बच्चों हमारा, ठीक है, जूम पे मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। जूम पे क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि बीच में कनेक्टिविटी ब्रेक कर जाती है, कुछ बच्चों का मिस हो जाता है, लेकिन मैं आपके साथ ऑलवेज आपके लिए 24 घंटे तैयार हूँ। आपको जहाँ दिक्कत आए, जिस पॉइंट पे दिक्कत आए, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई भी एक पॉइंट समझ में नहीं आता तो बिल्कुल हिचकने की ज़रूरत नहीं है। आप इमीडिएट, आप सब लोग ग्रुप में ऐड हैं, मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं, तो इमीडिएट आप वहाँ सेंड कर दीजिए, ठीक है, इमीडिएट सेंड करिए कि सर ये पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, मैं आपको जूम पे लाइव आके या व्हाट्सएप में या टेक्स्ट मैसेज में या वीडियो या ऑडियो किसी भी तरीके से उसको समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल हिचकना नहीं है ये कुछ भी, अगर एक भी पॉइंट आपके क्लियर नहीं हो रहा है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है जल्दी ही, हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ भी अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो बिल्कुल नहीं हिचकना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो हमारा 3 महीने में फिज़िक्स मेरा हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिनिश। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने पढ़ना नहीं है क्योंकि वो अब 10th के सिलेबस में रहा नहीं, ठीक है, कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना, तो इसलिए जो है आगे भी कॉम्पिटिशन में भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत उसकी होती नहीं है, 11th-12th में भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम कुछ देख लेंगे, कुछ पढ़ा देंगे उसमें से, ठीक है, बाद में जाकर। लेकिन जो बोर्ड में आने वाला है वो हम जो है, मैं 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने में आपका सारा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, अपना फिज़िक्स का सिलेबस सारा ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेंस इक्वेशन अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को लगाते रहें ध्यान से एकदम। लेंस इक्वेशन अगर हम देखें तो लेंस इक्वेशन में हमारा जो मिरर फार्मूला था वो था 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। और लेंस इक्वेशन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को कनेक्ट करने वाली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लेंस इक्वेशन कहलाती है। वी यू एंड एफ के लिए जो कनेक्टिंग इक्वेशन है वो क्या है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, कोई भी दो चीज़ें आपको गिवेन हो, यहाँ इमेज डिस्टेंस गिवन हो और फोकल लेंथ गिवन हो, तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो, फोकल लेंथ गिवन हो, टाइप ऑफ लेंस गिवन हो, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, तो आप यहाँ साइन को लगाते हुए आप इमेज की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं और वी के साइन को देखकर कि नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन, आप ये पता कर सकते हैं कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वी यू एफ को साइन के साथ रखना है, बस ये ध्यान रहे, क्लियर। नाउ मैग्निफिकेशन अगर हम देखें,
मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन कहते हैं इसको, ट्रांसवर्स। तो मैग्नीफिकेशन जो है आपका m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आपका h डैश लेता है एनसीईआरटी में, मैं यहाँ ले रहा हूँ जो मैंने वहाँ लिया था मिरर में h आई, आई मीन्स इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एनसीईआरटी में आपका लेता है h, मैं यहाँ ले रहा हूँ एच ओ, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका मैग्नीफिकेशन है। तो जो कि आएगा आपका m इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है, मिरर में ये माइनस वी अपॉन यू होता है, ध्यान देंगे, ठीक है, मिक्स नहीं करेंगे दोनों चीज़ों को, मिरर में ये मैग्नीफिकेशन माइनस वी अपॉन यू होता है, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन वी अपॉन यू होता है, क्लियर, ठीक है। अब अगर हम वी अपॉन यू रेशियो इससे निकालें, इस मिरर फार्मूले से वी अपॉन यू देखें, तो हमारे पास ये मिरर फार्मूला है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे को एक बार वी से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं v से मल्टीप्लाई कर दूं तो v अपॉन v क्या हो गया 1, ये क्या आ गया माइनस v अपॉन u, और ये v से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया v अपॉन f, ठीक है बच्चों। इसको मैं उधर ले गया, इसको उधर ले गया और इसको इधर ले आया, तो 1 माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू v अपॉन u, तो f माइनस v अपॉन f, LCM लूँगा तो v अपॉन u किसके इक्वल आ गया, यहाँ v अपॉन u किसके इक्वल आ गया f माइनस वी अपॉन एफ के। अगर इसी फार्मूले को अगर मैं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ को अगर मेरे बच्चों में u से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं u से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा u अपॉन वी, u से यहाँ हुआ, पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और u अपॉन u, u अपॉन u कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा u अपॉन f, ठीक है, u अपॉन f, इसको उधर ले गया तो उधर जाके प्लस हो गया, तो u अपॉन v इज इक्वल टू 1 प्लस u अपॉन f, ठीक है। तो u अपॉन v LCM लूँगा तो क्या हो जाएगा f प्लस u अपॉन f, तो v अपॉन u यहाँ से किसके इक्वल आ गया, v अपॉन u आपका आ गया इक्वल f अपॉन f प्लस u के, ठीक है। ये दो फार्मूले हमें शॉर्टकट देते हैं जो आपका मुश्किल सा क्वेश्चन होता है उसको शॉर्ट में करने के लिए हेल्प करते हैं ये फार्मूले। तो मैग्नीफिकेशन आपका ये हो सकता है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है, और वी अपॉन यू किसके इक्वल है, किसके इक्वल है एफ अपॉन f प्लस यू के। मिरर में ये क्या निकाला था हमने, मिरर में क्या आया था बच्चों, ये f अपॉन f माइनस यू आया था, ठीक है, मिरर के केस में ये f अपॉन f माइनस यू आया था, लेंस के केस में ये f अपॉन f प्लस यू आता है, ठीक है, और ये अगर इक्वेट कराऊं तो क्या f माइनस वी अपॉन f, मिरर में ये यही आया था, मिरर के केस में ये f माइनस वी अपॉन f ही था, यहाँ भी f माइनस वी अपॉन एफ है। तो इस फॉर्मूले का अब आप कब लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं कि आपको मैग्नीफिकेशन गिवन हो, टाइप्स ऑफ लेंस गिवन हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, उसकी फोकल लेंथ गिवन हो, तो f का साइन रखो, मैग्नीफिकेशन रखो, ठीक है, रियल इमेज के अकॉर्डिंग साइन रखो, और ऑब्जेक्ट की पोजिशन पूछ रहा हो, तो आप यहाँ से u डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक सिंगल स्टेप में प्रॉब्लम हो जाएगी ये फार्मूला लगा के, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये फार्मूला नहीं लगाते हैं तो आपको लेंस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी और m इज इक्वल टू वी अपॉन यू की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी इसकी और इसकी हेल्प लेके ऑब्जेक्ट पोजीशन निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपके पास फोकल लेंथ गिवन हो, मैग्नीफिकेशन गिवन हो और इमेज की पोजीशन निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला नहीं लगाते जो कि बुक्स में इन फार्मूलों को ना लगा के पहले ये लगाता है वो v अपॉन u और फिर जो है ये और ये v अपॉन u और इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व करता है। ये हमारा लेंस का केस है,
इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और न्यूमेरिकल देख के यहाँ से आगे बढ़ के अपने इस लेंस को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखें ज़रा क्या है क्वेश्चन, कि एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर बाय ड्रॉइंग एन एक्यूरेट स्केल डायग्राम, फाइंड द पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और डायग्राम भी खींचते हैं। तो आप देखें कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कितनी फोकल लेंथ है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 50 सेंटीमीटर, यानी एफ इज 20 सेंटीमीटर, तो 2F कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2F रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2F है, तो इमेज कहाँ बनेगी, F और 2F के बीच में, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F हो तो इमेज कहाँ बनती है, F और 2F के बीच में। तो आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखकर और फोकल लेंथ को देखकर इमेज की पोजीशन का एक रफ आइडिया लेकर आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। यानी इमेज जब F और 2F के बीच में बनेगी और रियल बनेगी, इसका मतलब आपका आंसर 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में आना चाहिए, क्योंकि F है 20 सेंटीमीटर और 2F होगा 40 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में आना चाहिए। इमेज बनेगी छोटे हाइट की, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज आपका 20 सेंटीमीटर से कम आना चाहिए, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता हो जानी चाहिए, आप चेक भी कर सकते हैं सही है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ रे डायग्राम को, तो हम बाद में बनाएंगे, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बाद में रे डायग्राम आता है बच्चों, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दूँ आपके लिए, अगर मैं यहाँ कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दूँ, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस है F1, ये आपका है 2F1, ठीक है, यहाँ पर है F2 सेकेंडरी फोकस, और ये आपका है 2F2, ठीक है। ये फोकल लेंथ कह रहा है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है सेकेंडरी फोकस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 50 सेंटीमीटर पे, यानी ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 40, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपके सामने ये रही, आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन दिखानी है, एक्यूरेट रे डायग्राम खींचना है, तो यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट है, इसी रेशियो में ले लो ना, इतना 20 है तो इसका हाफ होगा 10, तो इसका हाफ जैसा ले लिया मैंने यहाँ, तो ये आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई। रफली आपको रे डायग्राम खींचना है, ए बी कितना सेंटीमीटर टॉल है, 20 सेंटीमीटर टॉल है, इसकी इमेज बनानी है, तो इमेज कहाँ आएगी, एफ और 2F के बीच में, कैसी आएगी, रियल आएगी एंड इन्वर्टेड आएगी, ठीक है, और कैसी आएगी, स्मॉल साइज की आएगी। अब उसको सॉल्व करते हैं, तो यू हमें कितना दिया हुआ है, यू हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दी है 50 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। लेबल डायग्राम खींचना है आपको, ये सब दिखाना है यहाँ, ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सेकेंडरी फोकस, 20 सेंटीमीटर, तो आपकी फोकल लेंथ कितनी हो गई यहाँ, ठीक है, लेबल करके दिखाना होता है सारी लेंथ को, प्लस 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है यहाँ इमेज की पोजीशन, यानी v, तो v निकालने के लिए अब आप लेंस इक्वेशन लगा देंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन का आप ख़ास एहतमाम रखेंगे, साइन में अगर आपने ज़रा सी भी गड़बड़ कर दी यहाँ, तो फिर आपका आंसर गलत आ जाना है। तो u को मैंने यहाँ रख दिया माइनस 50, जब मैं u को यहाँ पे माइनस 50 रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 1/50 हो गया ये, और f आपका कितना है, 1/20 है, ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू आ गया 1/20 माइनस 1/50, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम, 100 आ जाएगा एलसीएम, 100, तो
तो यहाँ जाएगा कितना 5 और यहाँ जाएगा कितना 2। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अपॉन 100, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू आपका कितना आ गया मेरे बच्चों 3 अपॉन 100, तो वी इज इक्वल टू आ गया आपका प्लस 100 अपॉन 3 आया। प्लस 100 अपॉन 3 का मतलब जो है कितना आ गया 33.33। ये आपकी इमेज की पोजीशन आ गई, या आप ये 100.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 33.33 इमेज की पोजीशन आ गई, ठीक है। तो इमेज जो है कहाँ बन रही है 33.33 पे, तो 33.33 यहाँ कहीं इसके करीब 2f के करीब इमेज बन रही है, ठीक। अब आप रे डायग्राम कंप्लीट करना है, तो एक रे ये चलाएं और ये चला के जो है फोकस से पास होती हुई रे को फोकस से पास होती हुई यहाँ पे मीट करा दें, ठीक है। ये आपका F2 है, बाद में लिख दें F2, अभी नहीं लिखना, तो जहाँ ये कट कर जाए ये वाली रे, तो ये आपका, ठीक है, ये आ गई रे। एक रे आप ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती वाली एक रे यहाँ मीट करा दें, ठीक है। और एक रे आपकी ये चल ही रही है, ये वाली रे, ये, तो ये आपका हो गया a'b'। अब आपने इमेज की हाइट देनी है, तो हाइट ऑफ इमेज देने के लिए अब आपको क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना ना। तो सबसे पहले आप मैग्नीफिकेशन निकाल लो, तो मैग्नीफिकेशन क्या है आपका, वी अपॉन यू है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि वी और यू आपको नोन है, ठीक। तो वी कितना है आपका 100/3, ये वाली वैल्यू रख दो 100/3, और यू कितना है आपका, साइन के साथ रखना है, यू कितना है आपका -50 है, यू आपका -50 आया, तो आपका मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, मैग्नीफिकेशन आ गया 100/3 into 50, यानी मैग्नीफिकेशन आपका कितना आ गया, मैं ये दो बार चला गया -2/3, ठीक है। ये आपका मैग्नीफिकेशन आ गया, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा मैग्नीफिकेशन, क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि इमेज जो है आपकी वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड इमेज है, इसलिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा, क्लियर। नाउ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको यहाँ रखो -2/3 को मेरे बच्चों, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवेन है, कितना गिवेन है 20 सेंटीमीटर, तो ये +20 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे आपने रख दिया 20 सेंटीमीटर, तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितना आ गया -2/3 into 20, ये आपकी हाइट ऑफ इमेज आ गई, यानी हाइट ऑफ इमेज आपकी आ गई कितनी आ गई -40/3, और 40/3 जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 3 9 13.33 सेंटीमीटर या 40/3, ठीक है। तो हाइट आपका ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी है -13.33 सेंटीमीटर, छोटी इमेज बन रही है बिकॉज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है और इमेज कहाँ रखी हुई है बिटवीन f एंड 2f, तो छोटी ही बनाएंगे यहाँ, इससे छोटी ही दिखाएंगे, साइज़ छोटा ही दिखाएंगे रे डायग्राम में, तो आपका रे डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। तो बोर्ड एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ रे डायग्राम भी प्लॉट करवाता है, ठीक है।